ओके सो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मोशन इन वन डायमेंशन। और ये चैप्टर भी बहुत कम टाइम में बहुत स्पीड में जाकर के सारे क्वेश्चंस फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज की जो क्लास उसमें सिर्फ ग्राफ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट रहेगा उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से जो क्वेश्चंस। देखो सेकेंड चैप्टर का अगर बात करें तो ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं इसके बिना तो हमारा कोई भी क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफर्म यहाँ से क्वेश्चंस रहता है, ग्राफ ड्रॉ करने को आ सकता है या फिर ग्राफ से जो क्वेश्चंस स्लोप वगैरह जो रहता है, एरिया अंडर द कर्व, ये सब अगर आइडिया ग्राफ का नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम। सो स्टार्ट करने वाले हम लोग ग्राफ, पहला जो ग्राफ है जो फर्स्ट ग्राफ हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम। और चैप्टर जो हमारा मोशन इन वन डायमेंशन, सो अगर डिस्टेंस के प्लेस पर कहीं क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया सो आपको ग्राफ यही सब ड्रॉ करना है जो मैं डिस्टेंस और टाइम के बीच में करने वाला हूँ, ठीक है। चाहे क्वेश्चन मेरा डिस्टेंस टाइम ऐसा बोले या फिर क्वेश्चन ये बोल दें कि अपना जो ग्राफ है वो ड्रॉ करना है डिस्प्लेसमेंट और टाइम। इन केस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इट मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन इज सेम। तो जो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और अगर कोई ऐसा लाइन आता है विच इज़ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, इट मीन्स यहाँ पर या तो मैं वेलोसिटी बोल दूँ या स्पीड बोल दूँ वो 0 रहेगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है इट मीन्स स्पीड 0। और बिकॉज चैप्टर हमारा क्या है मोशन इन वन डायमेंशन, सो एक कंडीशन ऐसा रहता है ना हमारा व्हेन बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं इक्वल रहता है। तो चाहे मैं ये बोल दूँ कि स्पीड 0 रहेगा या मैं ये बोल दूँ वेलोसिटी 0, अगर ये क्वेश्चन आता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो अच्छा रहेगा कि वहाँ पर स्पीड वर्ड यूज़ कर लें, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो अच्छा रहेगा कि यूज़ कर लें हम लोग वेलोसिटी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एक लाइन ड्रॉ करना पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकेंड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट स्पीड, ये आता है हमारे एक स्ट्रेट लाइन, बट इस केस में टाइम से एक एंगल, जो टाइम एक्सिस दिया है वहाँ से एक एंगल पर अपने को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है ये, और ये जो एंगल ये यहाँ पर देगा ये स्लोप है हमारा, ठीक है। अगर इसको मैं टेन थीटा, जो कि मैथ्स में आप पढ़ते हो टेन थीटा के टर्म्स में बात करेंगे तो जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, जो स्लोप वो देता है हमको यहाँ पर स्पीड, ठीक है, नोट किया जाए इसको भी, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन में मुझे ये बोलो 2 ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको दिया है, ठीक है, 2 बॉडीज दिया है ए एंड बी, कौन सा इसमें से ऐसा है जिसका स्पीड ज़्यादा है। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये देखना, ठीक है, टाइम से ये देखना कि कौन सा ऐसा जिसका एंगल ज़्यादा रहने वाला है। इधर ए और बी दिया, सो बी के लिए तो मुझे एंगल छोटा दिख रहा है, बट ए के लिए अगर देखा तो एंगल ज़्यादा, सो इट मीन्स स्पीड ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी, ठीक है। क्यों ऐसा किया, बिकॉज स्लोप जो है स्लोप ऑफ लाइन ए वो ज़्यादा है हमारा स्लोप ऑफ लाइन बी, ठीक है, ए इज मूविंग फास्टर देन बी। ग्राफ में ये सब नहीं दिया है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अगर लग रहा है वीडियो को रोक करके नोट कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ, इन केस नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसका बात करता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और इसमें ये बोल देता है दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम। सो इस केस में जो लाइन अब वो स्ट्रेट नहीं है, अब वो स्ट्रेट नहीं रहेगा, वो कुछ ऐसा आएगा। इफ़ स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस है ये, एक ग्राफ ऐसा ऊपर को ड्रॉ करना बस, ठीक है। इधर टाइम, टाइम से जो एंगल वो धीरे 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 इंक्रीज करते जाना सा। नेक्स्ट, सेम यही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, बट इस केस में जो स्पीड हमारा वो डिक्रीज हो रहा है,
स्पीड डिक्रीसेस विथ टाइम। सो अभी जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा, अब इसी ग्राफ को टाइम जिधर को दिया ना उधर को बेंड करते चले जाना ऐसा, ठीक है। सो ये पूरा हमारा हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी फिर से चैप्टर हमारा क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। सो या तो मेरे को वेलोसिटी लिख करके दे या स्पीड, ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करना जो करने वाले हैं अभी, स्पीड टाइम ग्राफ बोले या वेलोसिटी टाइम ग्राफ करना ऐसा ही है। फर्स्ट ग्राफ बॉडी क्या हो रहा हमारा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी इट मींस जो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी वो सेम। इट मींस अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में। इस केस में ऑब्जेक्ट दिख रहा है अपने को, ठीक है, यहाँ से अपने को कुछ ऊपर दिख रहा है ऐसा। इट मींस ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो मोशन में है, सो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगा विद द सेम वेलोसिटी। और यहाँ पर एक पॉइंट नोट किया जाए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो स्लोप रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ये देता है एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट है, वन मार्क क्वेश्चन हो सकता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप वो देता है अपने को एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से अगर बात करें हम लोग एरिया अंडर द कर्व, देखो ये ग्राफ हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम, किस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये ड्रॉ किया था बस। अगर क्वेश्चन ये आता है कि इसका जो डिस्टेंस कवर किया है ना ऑब्जेक्ट ने वो मालूम करना है, तो ये जो रेक्टेंगल आया ये एरिया निकाल देना बस। और रेक्टेंगल जो है उसका एरिया मालूम है एल इंटू बी। लेंथ यहाँ पर है 5, सो ये 5 इंटू जो ब्रेथ वो 10, और मल्टीप्लाई किया तो ये आया है 50 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कितना टाइम में, 5 सेकेंड्स। और अगर एक्सेलरेशन पूछे तो जब भी लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आता है एक्सेलरेशन इस केस में है 0, ठीक है। नेक्स्ट इस केस में देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी हमारा, बट कब, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, कब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक लाइन ऐसा ड्रॉ करना टाइम से कुछ एंगल पर, और ये जो एंगल यहाँ पर आने वाला है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, ये देता है अपने को एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर बात किया था हम लोगों ने। सो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन का बात करें, सो दिस ए इक्वल टू, ये निकालना जो परपेंडिकुलर अपने पास, इसको मैं चेक करूँगा यहाँ से तो ये 50, और यहाँ से चेक करूँ तो ये 0। सो दिस 50 माइनस 0 अपॉन बेस का बात करो तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0, सो ये आया 5 माइनस 0। ए इक्वल टू 50 माइनस 0 करने से ये 50 अपॉन 5, कट किया इसको, सो दिस 10। क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन। और कहीं क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछ लेता कि जो डिस्टेंस वो निकालना है, सिंपल सा ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकाल देना, दैट इज हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है, ये डिस्टेंस 5, और हाइट का बात करें यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा 50। बस सॉल्व कर देना, दिस 5 × 25 करने से ये 125 मीटर। नेक्स्ट, ठीक है, अभी रिटार्डेशन हो रहा है, देखो इट मींस जो हमारा स्पीड जो हमारा वेलोसिटी है कुछ भी बात कर लें वो डिक्रीज हो रहा है अभी, ठीक है, धीरे धीरे जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से कम होता जा रहा है। यहाँ पर बात करें तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल जो था हमारा यहाँ पर या यहाँ पर किसी को भी डिक्रीज होता जा रहा है और एक यूनिफॉर्म रेट से। सो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसमें अगर कोई ग्राफ आता है ड्रॉ करने के लिए, सो एक नीचे को ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना,
ठीक, ओके नेक्स्ट। इन केस वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है बट इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तो थोड़ा सा ऊपर से, यहाँ थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करना, और इसी ग्राफ को तो यूज़ करने वाले हैं हम लोग जो भी डेरिवेशंस करेंगे ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशंस। नेक्स्ट वीडियो में यही ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहीं से सारे इक्वेशंस जो 3 इक्वेशंस है वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी इंक्रीजेस नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है बट यूनिफॉर्म रेट ग्राफ ऊपर को जाने वाला है, जिधर टाइम दिया वहाँ से एंगल को इंक्रीज कर देना, ठीक है, ऊपर को ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है सो इस केस में ग्राफ नीचे को, जब भी नॉन यूनिफॉर्म रेट दिख जाएगा स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं अभी, जो भी ग्राफ हम लोगों ने स्टडी किया अभी तक उससे क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स यहाँ पर क्या है, अपने को स्लोप फाइंड कर देना है, किस पार्ट में, पहले है ए बी, ए बी ए ग्राफ स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इट मीन्स ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस केस में अगर एक्सेलरेशन फाइंड करने वाले हैं सो ए इक्वल टू, ठीक है, इस ए बी का बात कर रहे हैं सो बी यहाँ पर है, पहले ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालना है, सो बी के लिए यहाँ पर 30 और इसके लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सो ये 0, ठीक है, अच्छे से देखो, परपेंडिकुलर के लिए बात कर रहा हूँ ये, सो यहाँ पर ये 30 और जो जो बेस आ रहा है यहाँ पर ये 0, सो ये हो गया हमारा 30-0 अपॉन, और टाइम कितना है यहाँ पर, बेस में देखो तो इधर 4 और इधर पे 0, 4-0 ये आया अपने पास 30/4, इसको डिवाइड कर देना 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट अच्छे से लिखना, यूनिट रॉन्ग कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा, हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। नेक्स्ट, बी सी जो पार्ट है उसमें निकालना है। अब बी सी जो है ये वो तो टाइम का पैरेलल है, और नहीं अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो ये देखो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, आप उसको नोट कर लेना, मैं सेकंड करने वाला हूँ। इस पार्ट में अगर बात करूँ मैं एक्सेलरेशन के लिए, सो जो सी है उसको जब मैंने यहाँ से देखा तो ये 30 आया, माइनस बी को देखने से भी तो 30 आ रहा है, और टाइम कितना हो रहा है हमारा, सी के लिए टाइम है यहाँ पर 8 और बी के लिए 4, 8-4 बट 30-30 तो 0 आ गया, नीचे तो बात ही नहीं करेंगे, 8-4 कुछ भी आए, सो इस केस में 0 नहीं सॉल्व करने का मन था। तो जब भी लाइन पैरेलल टू टाइम देखना वेलोसिटी टाइम में, डायरेक्ट एक्सेलरेशन 0 लिख दो। नेक्स्ट, सी डी जो है इसमें अगर एक्सेलरेशन देखें हम लोग, नीचे को जा रहा ग्राफ, डी पर पहुंचा तो ये 0 हो गया, माइनस सी पर अपने पास 30 अपॉन में टाइम देखें तो यहाँ पर ये 10, ठीक है, जिधर 10 ये डी दिख रहा है उधर 10 और जो सी दिख रहा है उसको जब यहाँ पे देखा तो ये 8, सो ये आया है 0-30 मीन्स -30/2, सो डिवाइड करने से आने वाला है ये अपने पास -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हो गया अपना जो एक्सेलरेशन निकालना, ठीक। नेक्स्ट, डिस्टेंस का बात करूँ, अगर डिस्टेंस इन ईच पेयर जो फाइंड करना है ए टू बी ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल आने वाला है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर देंगे तो ए से बी जो ग्राफ अपने पास है उस टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आ जाएगा, हाफ इंटू बेस यहाँ पर है 4, ठीक है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 0, माइनस करने से 4 आया, इंटू हाइट, बी जो है वो 30 पर है और ये ई जो है वो 0 पर है, सो डिफरेंस निकाला तो ये 30, ये 2 1 times 4 को कट किया तो 2 times, इसको मल्टीप्लाई किया तो 60 meter, 60 meter, ठीक है, ये आ गया मेरा ए टू बी।
बी टू सी, इस टाइम देखो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, ठीक है, ये नहीं बोलना कि रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट मोशन में है और यूनिफॉर्म उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। बी से सी अगर फाइंड करना है तो ये रेक्टेंगल, इसका अगर एरिया निकालना है तो फॉर्मूला एल इंटू बी, एल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इधर 8 इधर 4, सो माइनस किया तो ये 8 माइनस 4 और इंटू हाइट, हाइट तो अभी भी देखो वही है, इस पूरा का अगर मैं बात करूँ यहाँ से, सो इधर पे 30 और यहाँ पर 0, डिफरेंस 30 आ गया, 8 माइनस 4 करने से ये 4 इंटू 30 मल्टीप्लाई किया 120 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सी से डी ये निकालना है, तो फिर से ये ट्रायंगल आ रहा है अपने को, हाफ इंटू बेस यहाँ पर 10 माइनस 8 इंटू हाइट, ये निकालना है तो हाइट अपने पास 30, सो 10 माइनस 8 करने से 2 आएगा, उस 2 को मैं इससे कट कर देता हूँ, सो ये आया अपने पास 30 मीटर। स्लोप बोलेगा, एक्सेलरेशन बोलेगा तो स्लोप निकाल देना, और एरिया बोलता है ये, डिस्टेंस बोलता है तो एरिया अंडर द कर्व, ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ कर लेना, रेक्टेंगल का, इनकेस टोटल डिस्टेंस अगर बोलेगा तो इस केस में क्या किया मैंने, एक ट्रायंगल उसको फाइंड किया, फिर रेक्टेंगल को फाइंड किया, फिर एक और ट्रायंगल, तो थ्री पार्ट्स में कर दिया, तीनों को प्लस कर देना, यानी 60 इधर 120 और इधर पे 30, तीनों को ऐड करने से मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो आ जाएगा मेरा 210 मीटर, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। बट अगर सिर्फ ये बोलता ना कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस, बच्चों ट्रेपीजियम जो है ना उसका एरिया निकाल देना, एक ही बार में आंसर आएगा, इनकेस ट्रेपीजियम को फॉर्मूला नहीं याद है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, वो नहीं याद है तो फिर आप इसको पार्ट्स में करो, ट्रायंगल का निकाल दो, रेक्टेंगल निकाल दो, फिर ट्रायंगल निकाल दो, सबको ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा 210 मीटर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ऐसे देखते हैं, सेम ऐसा ही है, इसमें भी क्या निकालना है अपने को, एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट टू आवर्स, फर्स्ट टू आवर्स मतलब यहाँ पे बेटा ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन निकालना इट मीन्स स्लोप, फर्स्ट टू आवर्स में निकालना है तो यहाँ पर पहले तो ये परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे देखा तो ये 40 और यहाँ पे 0, सो ये हो जाएगा 40 माइनस 0 और टाइम के लिए 2 माइनस 0, सो यहाँ पर आएगा ये 40 अपॉन 2, डिवाइड करने से आने वाला है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड क्या फाइंड करना है अपने को, इन द नेक्स्ट टू आवर्स, इन द नेक्स्ट टू आवर्स का बात करें तो इधर पे 2 और यहाँ पर 4, बेटा इट मीन्स वो बी से सी की बात कर रहा है और पैरेलल है टाइम का, बिना सॉल्व किए ही मैं लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 रहेगा, अगर नहीं है आपको सॉल्व करने का मन है आप सॉल्व कर लेना, बट पैरेलल अगर आ रहा है तो इट मीन्स मैं डायरेक्ट लिख दूँ उसको दैट एक्सेलरेशन इस केस में जो है मेरा वो 0। नेक्स्ट क्या है, लास्ट टू आवर्स, लास्ट टू आवर्स इट मीन्स ये 6 से 8 इसमें निकालना है, सो इस केस में जो एक्सेलरेशन 0 माइनस, ठीक है, फाइनल यहाँ पर ये 0 आ चुका है, और डी क्या अगर बात करूँ तो यहाँ पर ये 40, सो दिस 0 माइनस 40 अपॉन में टाइम तो देखो अपने पास 2 आएगा, 8 माइनस 6 किया तो 2, सो यहाँ पर अगर मैं माइनस कर दूँ 0 माइनस 40 तो ये आएगा माइनस आया है, वो आया अपने पास माइनस 40 अपॉन 2, इसको इसको कट करने से जो आएगा अपने पास वो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया टोटल अपना जो फर्स्ट में एक्सेलरेशन बोल रहा था उसको, अभी टोटल डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस केस में एक ही बार में एरिया निकालने वाला हूँ, एक ही बार में टोटल डिस्टेंस अगर मुझे बोल रहा है तो मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है उसको निकालता हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, बी से सी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये 6 और इधर पे 2,
सिक्स माइनस टू, ठीक है। ये सिर्फ मैंने अभी किसको लिखा है, बी से सी, ये आ गया। प्लस बेस में जो मेरे पास है वो एट माइनस ज़ीरो, ठीक है। ये जो पैरेलल साइड से उसको मैं लिख रहा हूँ अभी ब्रैकेट में, उसको प्लस करना है। हाफ ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, हाइट का बात करें तो ये 40 माइनस ज़ीरो। सो यहाँ पर आने वाला है ये हाफ, 6 माइनस टू किया सो ये 4 प्लस 8 और यहाँ पर ये 40, कट कर दिया 2 और यहाँ पर ये 20, 2 प्लस 8 4 प्लस 8 12 इंटू 20, मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट अपने पास आंसर आ रहा है 240 और ये आएगा अपने पास किलोमीटर में, ठीक है। यहाँ साइड में यूनिट जरूर देख रहा है किसमें दिया हुआ है, ये अपने को दिया था किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर मीन्स डिस्टेंस जो है किलोमीटर में दिया है अपना आंसर, जो टोटल डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर। और फिर क्या दे रहा है, एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड के लिए क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ अभी, चलो टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस अपने पास आया है 240 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम यहाँ से अपने को दिख रहा है इधर पे ज़ीरो और यहाँ पर एट। सो जो टोटल टाइम आया है वो एट, इस 240 को कर देना एट से डिवाइड, ये एट अपना यहाँ पर आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आराम से आप वीडियो को रोक करके सब नोट कर लेना, किलोमीटर पर। बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहने वाले हैं। सो एरिया अंडर द कर्व वो डिस्टेंस दे देगा, स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन दे देगा, और अगर ये दोनों सही है और फिर बोलते हैं फाइंड द एवरेज स्पीड, तो जो टोटल डिस्टेंस है उसको टोटल टाइम से डिवाइड करना आंसर आ जाएगा। सो ग्राफ और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो सब हम लोगों ने आज फिनिश कर दिया। कोई भी डाउट है तो फिर से देखो, बट ये टॉपिक छोड़ कर के मत जाना। अगर ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, ग्राफ क्वेश्चंस कंफर्म रहने वाले हैं, ग्राफ से क्वेश्चंस वो भी रहने वाला है। और नेक्स्ट जो सेकेंड इसका जो एक वीडियो आने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशंस, वहाँ पर ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग उसका डेरिवेशन करेंगे, जो 3 इक्वेशंस हैं उसको डिराइव करेंगे और फिर उसकी हेल्प से जो अपने पास क्वेश्चंस वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें फिनिश करेंगे।